So good morning, guys. Guys, somebody is back now. That's back. What you wanted to say? Yes, I'm in my school clothes, obviously. And mommy has put the hat on Abhi. I don't. Abhi, तुम्हे बहुत warm रखना है अपने आप को बेटा. Mommy, I don't want to get embarrassed. अच्छा आप school तक पहन लो, बस school तक पहन लो, ठीक है? Embarrassed, तुम्हारी embarrassment भी बहुत जल्दी हो जाती है. Let's go. तो हाँ जी दोस्तों, welcome to the new vlog. और मैं अभी को school छोड़ आई हूँ. आज धूप बहुत बहुत अच्छी है. अभी सुबह के 10 बज रहे हैं. मैंने उसको स्कूल छोड़ने के बाद बैठकर एक जगह पे कॉफी भी पी. तो मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स आ रखी थी और काफी समय से आ रखी थी, तो आज मैंने बैठ के उन सब ईमेल्स का रिप्लाई करा है. सो होपफुली आने वाले दिनों में मैं अपने वीडियोस पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आऊंगी जो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. हाउएवर अभी मैं आ गई हूँ सेंसबरी, क्योंकि आज हम बनाएंगे लेमन कोरिएंडर चिकन सूप. तो बस मैं उसी के लिए इंग्रेडिएंट्स लेने आ गई हूँ और उसके बाद घर जाते हैं, क्योंकि मम्मी का है पार्ट ऑनलाइन और घर जाके बनाते हैं एक अच्छी सी अदरक इलायची वाली चाय. तो सबसे पहले सामान खरीदते हैं और फिर चलते हैं घर. मुझे दवाई लेकर ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है, तो मैं दवाई नहीं ले रही हूँ, बस घर के नुस्खों में लगी हुई हूँ. हाउएवर अभी तो मैं ये मखाने लेकर आई थी, इनको रोस्ट करने लगी हूँ. तो करते हैं इनको रोस्ट. थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालूंगी, बस दैट्स इट. आज मैंने सोच लिया कि मैं घर में जितने भी नट्स पड़े हुए हैं सारे रोस्ट करूंगी. तो पहले मैंने मखाने रोस्ट करे. आई डोंट नो मखाने को आप नट बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते. हाउ एवर अब मैं रोस्ट कर रही हूँ पिस्ताशियो, अखरोट, मूंगफली, सब कुछ साथ में ही. और एक बार जब ये रोस्ट हो जाएगा तो ये हमारी ड्राई फ्रूट वाली ट्रे है, इसके अंदर स्टोर कर दूंगी. तो आते जाते मैं, मम्मी और सौरभ हम खाते रहेंगे, क्योंकि इससे शरीर को गर्माइश मिलेगी और सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं खाने वैसे भी. अनफॉर्चुनेटली अबीर नहीं खा सकता, तो हम इस ट्रे को बहुत ही दूर रखेंगे, क्योंकि अबीर को माइल्ड नट एलर्जी है. तो बस. और इसके अंदर ना मैंने कोई भी तेल नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है. जो पिस्ताशियो थे वो ऑलरेडी सॉल्टेड थे, तो उन्हीं के नमक से अखरोट और जो मूंगफली है उस पर नमक आ जाएगा, ठीक है? तो बीन्स लेकर आई हूँ, कोरिएंडर लेकर आई हूँ खूब सारा, ऑर्गेनिक एग्स लाई हूँ और कैबेज लेकर आई हूँ, और दो लूज गाजर लेके आई हूँ, और कॉर्नफ्लावर लाई हूँ, और साथ में चिकन लाई हूँ. चिकन मैंने फ्रिज में रख दिया है. तो अब तैयारी करते हैं लेमन कोरिएंडर चिकन सूप की, जो कि है तल्ला दलाल की रेसिपी, और मेरी दोस्त उर्वशी बहुत ही अच्छा बनाती है. उसी ने शेयर करी थी एक बार अपने इंस्टाग्राम पे. तो बस मेरा भी आज मन हुआ कि चलो हम भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन भी, क्योंकि थोड़ा यू नो अबीर के लिए एक टाइम का मील हो जाएगा वो. तो सूप बनना शुरू हो चुका है. ऑब्वियसली मेरे रेसिपी के अंदर थोड़ा सा बदलाव करा है. क्या है वो बदलाव, वो तो अब अगर आज सूप अच्छा बन गया ना तो ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? लेट्स सी दैट. मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ. इसके अंदर चिकन है और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं चॉप करी हुई, तो इन सबको मैं फटाफट से कर लेती हूँ बॉयल. Oh my God! You know, after so many days, finally हम ये वाला short shoot कर रहे हैं, जहाँ पर अभी school से वापस आया. How are you feeling? I'm eating a cake because it was a golf cake sale today. It's a house. तो आज house cake sale थी. You only allowed one cake this time. Seriously? And how are you feeling? Good. Real good. मैंने तो sugar वगैरह बंद कर रखी थी, but अब कुछ नहीं कर सकते इसका. Guys, I got a poppet. और poppet भी मिल गया इनको अपना. और मैं अबीर के लिए सूप बनाकर ले आई हूँ, तो
ये देखो आप हमारा सुबह, हम आपको घर जाके इसका प्रॉपर तरीके से आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी मैं अबीर को यहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करके थोड़ा सा सूप पिलाऊंगी ब्रेड के साथ, और इसको देखो ये कपकेक खा रहा है। ओके आई विल। तो कुछ ऐसा दिख रहा है सूप। ओवरऑल अबीर को सूप अच्छा लगा और उसने पिया भी ब्रेड के साथ, तो मेरा मोटिव सॉल्व हो गया, बंदे के अंदर सूप चला गया। और इस सूप में बड़ी ताकत है भाई, बहुत सारी वेजिटेबल्स है, बहुत कुछ है इसके अंदर, तो आई एम ग्लैड ही हैड इट। अब मैं मम्मी को सर्व करने लगी हूँ। हाँ जी अबीर सूरी जी, हाउ आर यू फीलिंग? मैं आपकी चाय में सिर्फ आधी चम्मच चीनी डाली है, ठीक है? आज मम्मी सुबह से अब आई है ब्लॉग में कि मम्मी की नौकरी लग गई है यहाँ पे, बहुत बिजी हो गई है। एनीवे, हाउ वाज योर स्कूल टुडे? गुड। डिड यू एंजॉय? सो आई एम गोना फिक्स माय हेयर। जो तुमने हमें दिन में तारे दिखाए हैं चार दिन से, हफ्ता पूरा एग्जैक्टली दिवाली से स्टार्ट हुआ है, दिवाली से एक दिन पहले एनिवर्सरी से स्टार्ट हुआ है, एग्जैक्टली पूरा हफ्ता हो गया। नवंबर या दिसंबर में वीर एक बार तो कुछ ना कुछ करता ही है ऐसा। कोई दवाई नहीं होगी तो इसे ना खाइयो। और आज कोई बच्चा नहीं होगा स्कूल में जिसे मुड़कर अबीर को ना देखा हो। अबीर तो हीरो था आज। अबीर इज बैक, अबीर इज बैक। सॉरी इसको फिक्स मत करो, आपका दर्द हो जाएगा, अपने गलती से पैन लग जाएगा आपको। हाउ वाज योर डे डैडी? वेरी वेरी टायरिंग, आई वेंट सो फार। डैडी आजकल बहुत काम कर रहे हैं डैडी। 7 आवर जर्नी आई डिड। अब आई एम टायर्ड। अब आई डैडी इज टायर्ड। तो अनफॉर्चुनेटली मम्मी की भी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, तो मैंने उनको ये लैम्सिप दिया है, और ये कोल्ड एंड फ्लू के लिए होता है। जो लोग यूके में रहते हैं उनको तो मालूम ही होगा, वैसे तो जादू की तरह काम करता है। बेसिकली इसमें पैरासीटामोल है। अच्छा। और नींबू है, बहुत कुछ और भी है, पता नहीं। आपको पी के कैसा लग रहा है? इसका असर होगा, पता लग गया। हाँ, पसीना आएगा सोकर है? हाँ बहुत पसीना आएगा। अच्छा अच्छा पसीना लेना, ठीक है ना? स्वेटर पहन के तो नहीं सोते ना रात को? नहीं, कभी भी पूरे सर्दियाँ कभी सोई। हाँ तो पसीना, अब अच्छा लगेगा ना सॉक्स ना स्वेटर के पहन। बहुत सारे लोग लेते हैं। अच्छा। तो हाँ जी दोस्तों, आज मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है, और मैं अबीर के रूम में शिफ्ट हो चुकी हूँ क्योंकि वो हमारे रूम में सो रहा है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो ही इज़ मच मच बेटर नाउ। आज उसका स्कूल भी बहुत अच्छा रहा, आई एम ग्लैड कि वो स्कूल चला गया और अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिला, उसे बहुत अच्छा लगा। मेरी आवाज़ इतनी भारी हो रखी है ऑब्वियसली बिकॉज कफ है, और ऐसा लग रहा है घर में सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। अभी सौरभ बचा हुआ है, आई होप वो बचा ही रहे, उसको इन्फेक्शन ना हो। और अच्छा मैं इस कमरे में सो रही हूँ, वीर उस कमरे में सो रहा है, तो हम दोनों साथ में नहीं है, अभी है बस वो 100% जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और मैं भी बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगी। मैंने अपनी दवाई ले ली है, मेरी कॉफ़ी पीछे पड़ी हुई है, तो कॉफ़ी पीऊँगी। मुझे कॉफ़ी पी के बहुत रिलैक्स फील होता है, बस कॉफ़ी पीऊँगी, थोड़ी देर बैठ के कुछ देखूंगी मोबाइल फ़ोन पे जो हम सब करते हैं, उसके बाद आई स्लीप, और आपसे मिलती हूँ मैं कल की वीडियो में। होपफुली कल की वीडियो हम थोड़े यू नो जोश के साथ शुरू करें और हम सब बहुत अच्छा फील करें, और बस यही विश है हमारी। तो और आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे जैसे आप कर रहे हो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, और बस हम लोग जल्दी से ठीक हो जाए और दोबारा से अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आते हैं आपके लिए, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। सॉरी ये वाला ब्लॉग बहुत बहुत छोटा था क्योंकि कुछ शूट करने का बन ही नहीं रहा था, सबकी तबीयत इतनी ख़राब थी। तो बट होपफुली वी ऑल विल फील बेटर सून, और आपसे मिलते हैं, ठीक है जी? चलो फिर बाय, टेक केयर। अभी के स्टाइल में पीस।